अस्सलाम वालेकुम नाज़िमस तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर ढोसा। पनीर ढोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ पनीर, और थोड़े से पनीर को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है, और यहाँ पे थोड़े से पनीर को मैंने टुकड़ा कर लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक पैन ले ली हूँ, इसमें हम डाल देंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म हो जाने देंगे। चलिए तेल हो गया हमारा गर्म, और अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, और इसी के साथ में डाल देंगे हम कड़ी पत्ते। जीरा तड़कने के बाद इसमें डाल देंगे हम बारीक कटी हुई प्याज, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। चलिए प्याज थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर। अब टमाटर को भी हम थोड़ा प्याज के साथ सॉफ्ट कर लेंगे। चलिए प्याज टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे पाउडर मसाले, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम हींग, और सब मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो रखेंगे हम। चलिए मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो हमने ग्रेट करके रखा था पनीर, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए पनीर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इन मसालों में, ये रेडी है। अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। अब इसे ठंडा हो जाने देंगे हम, और इसके बाद हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये देखिए मैं यहाँ पे डोसे का बैटर पहले से रेडी करके रखी हूँ, और ये डोसे का बैटर किस तरह रेडी किया जाता है तो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो डाल चुकी हूँ। इडली के रेसिपी में मैंने पूरा तरीके से बताया है किस तरीके से डोसे का बैटर बनाया जाता है, इडली का बैटर बनाया जाता है। पेपर डोसा की रेसिपी में मैंने शेयर किया है किस तरीके से ये बैटर बनाया जाता है। अगर आपको ये देखना है कि किस तरह से बनाते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जाके उस पर चेक कर सकते हैं। और ये देखिए ये बैटर हमारा अभी ठीक है, और इडली बनाने के लिए बैटर को इसी तरीके से ठीक रहना चाहिए, और डोसा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम इसको पतला करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बस। तो चलिए गैस पे मैंने एक डोसा पैन रख लिया इस तरीके से, और पैन हो गया है गरम, और पैन गरम होने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, और इसे एक कपड़े से पोंछ लेंगे, और गैस को हम पैन गरम होने के बाद हम गैस को स्लो कर देंगे, और इस तरीके से पानी डाल के इस तरह से तवे को क्लीन करने के बाद तवा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद हम ये अपना डोसे का बैटर डालेंगे।
और इस तरीके से फटाफट से हम इस तरीके से राउंड 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 इसे फैला लेंगे, ये देखिए। और इसे अब पकने देंगे हम। चलिए थोड़ा थोड़ा ऊपर से ड्राई होने के बाद इस पे हम ऑयल इस तरीके से ग्रीस कर देंगे। अब इसमें हम ये पनीर की जो हमने रेडी किया है ये इस पे फैला लेंगे। चलिए हमने मसाले को अच्छे से इस पे लगा लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये नॉन स्टिक है तो ये ऑटोमेटिक छोड़ देता है पैन को। ये देखिए हमारा पनीर डोसा रेडी है। चलिए इसी तरीके से हम बाकी और भी बना लेंगे। चलिए अब हम सर्व करेंगे। मैंने दोनों तरीके से बनाया है। ये देखिए और इसके साथ हम सर्व करेंगे नारियल की चटनी और सांबर। ये पनीर डोसा रेडी है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। तो अगर आपको ये बैटर की रेसिपी देखना है कि मैंने बैटर किस तरीके से बनाया है, तो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी इडली के रेसिपी में और पेपर डोसा की रेसिपी में मैंने ऑलरेडी बताया है किस तरीके से मैंने आटे का बैटर बनाया है। तो अगर आपको देखना रहेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।